लाखों साल पहले एक जंगल में एक हाथी आसमानों में उड़ रहा था। उड़ते उड़ते उसने एक मछली को देखा कि वो एक पेड़ पर बैठकर केला खा रही थी। उस मछली को देखकर उस हाथी के मन में एक सवाल आया कि मछली केला कैसे खा सकती है, वो अंगूर क्यों नहीं खा रही, और सबसे बड़ी बात, वो पेड़ पर क्यों बैठी है, जमीन पर दौड़ क्यों नहीं रही। उस हाथी के मन में ऐसे बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। पर एक मिनट, आप सब इतनी गौर से क्यों सुन रहे हो? कहीं आप लोग मेरी बातों में लॉजिक तो नहीं ढूंढ रहे? अगर ऐसा है तो रुक जाओ, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं तो बस ऐसे बकचोदी कर रहा था। अब आप सोच रहे होगे कि मैं पागल हो गया हूँ, तो हाँ उसमें कोई शक नहीं है, पर जरा रुको, असली पागलपंती तो अब शुरू होने वाली है, क्योंकि द वॉचर प्रेजेंट्स हॉरिबल बॉसेस 2। तो चंगू मंगू तो आपको याद ही होंगे, आई मीन निक, कर्ट और अपना डेल, जिन बेचारों को अपने पहले पार्ट में अपने अपने हरामी बॉसेस से पीछा छुड़ाने के लिए ना जाने कितने कांड करने पड़े थे, जिससे हमें पता चला था कि अपने बॉसेस से ज्यादा हरामी तो ये थे। खैर, अपने बॉसेस से जंग जीतने के बाद ये तीनों आजाद हो गए रहते हैं और अपने नए बॉसेस से काफी खुश भी रहते हैं। पर मैंने कहा था ना, कुत्ते की पूंछ कितनी भी सीधी करने की कोशिश कर लो वो थोड़ी सी टेढ़ी रह ही जाती है, और उतना काफी रहता है उड़ती तीर पकड़कर अपनी हाथ में ले लेने के लिए। और इसी काम के लिए तो इन लोगों ने धरती पर अवतार लिया है। अब आपको लग रहा होगा मैं इनकी इतनी तारीफ क्यों कर रहा हूँ, तो इनके पिछले कांड को देखने के बाद ये तो कुछ भी नहीं है। मैं तो इन्हें सस्ते में ही छोड़ने वाला था, पर जहां अभी अभी सब कुछ ठीक ही हुआ होता है, इनके दिमाग में एक नया कीड़ा फिर से गुलाटियां मारना शुरू कर देता है, और वो कीड़ा इन्हें जॉब के फूलों भरे रास्ते से उठाकर बिजनेस के खाई के किनारे में लाकर पटक देता है। मतलब ये लोग साथ मिलकर एक खास तरह का सावर बनाते हैं, मतलब एक झरना। इनका आइडिया ठीक ठाक रहता है, पर बिजनेस में नए होने की वजह से कोई भी इन्हें कॉन्ट्रैक्ट देने को तैयार नहीं होता, जिसके बाद उदास होकर कर्ट और निक डेल को गाली देने लगते हैं, क्योंकि ये पूरा उसी का आइडिया था। पर डेल बेचारा हिम्मत नहीं हारता, उसे पूरा यकीन रहता है कि उसका बिजनेस एक दिन जरूर चलेगा। पर इसलिए नहीं कि उनका आइडिया बहुत बेहतरीन रहता है, बल्कि इसीलिए क्योंकि बेचारे डेल के पास दूसरा कोई और रास्ता नहीं होता, क्योंकि वो अपनी पुरानी बॉस हवस से भरी जूली के पास वापस जा नहीं सकता था, वरना वो इस बार इसकी इज्जत जरूर नीलाम कर देती और कहीं और उसे काम मिलेगा नहीं, क्योंकि नशे की हालत में एक बच्चे पर मूतने की वजह से उस पर चाइल्ड मोलेस्ट्रेशन का केस चल रहा होता है। तो अब तीनों बैठकर माता मना रहे होते हैं कि उनकी नई जिंदगी शुरू होने से पहले ही मर गई, पर तभी इनके फोन की घंटी बजती है और वो कॉल एक बहुत बड़ी कैटलॉग रिटेलर कंपनी से आई रहती है। वो इनसे कहती है कि उन्हें इनका सावर वाला आइडिया बहुत ज्यादा पसंद आया है, जिस वजह से उनकी कंपनी इनके साथ बिजनेस करना चाहती है। डील सुनकर तीनों खुश हो जाते हैं और अगले दिन मीटिंग के लिए उनसे मिलने जाते हैं। उस कंपनी का मालिक बर्ट हैंसन इन्हें 1,00,000 यूनिट्स बनाने का ऑर्डर देता है और इनसे कहता है कि ये ऑर्डर बस एक शुरुआत है, आगे और भी ऑर्डर्स इनका इंतजार कर रही है। बर्ट की बात सुनकर तीनों एक्साइटेड हो जाते हैं और बैंक से $5,00,000 का लोन लेकर एक छोटा सा फैक्ट्री बैठाते हैं और वक्त से पहले ही अपने पहले ऑर्डर को खत्म कर देते हैं। और ये कितनी अच्छी बात है, क्यों, है ना? पहली बार इनकी जिंदगी में कोई काम बिना किसी कांड के नहीं पड़ गया। अजी कद्दू मेरा, ऐसा होना मतलब SBI में लंच ब्रेक खत्म होना, जो कि आपको भी पता है और हमको भी कि ऐसा होना इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं है। तो अपने साथ होने वाले कांड से ये लोग बिल्कुल अनजान रहते हैं। इन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि ऑर्डर पूरा करके इन्होंने अपनी बर्बादी की कब्र खुद खोनी है। पर इन्हें जल्द ही पता चल जाता है जब ये लोग बर्ट को खुशखबरी सुनाने जाते हैं कि इन्होंने काम को वक्त से पहले ही खत्म कर दिया है। बर्ट इन्हें शाबाशी देता है और इन्हें अपनी नजरों से दफा हो जाने को कहता है। बर्ट की बात सुनकर तीनों हैरान हो जाते हैं कि कुछ दिन पहले जो उनके लिए देवता बना हुआ था वो अचानक से चांडाल कैसे बन गया। तो बर्ट इन्हें बताता है कि ये उसका प्लान का एक हिस्सा था, अब वो इंतजार करेगा उनकी बैठाई हुई कंपनी के नीलाम होने का, और जब वो दिन आएगा तब जहां उसे उनके काम के लिए करोड़ों देने पड़ते वहीं वो उनके पूरे बिजनेस को चवन्नी के भाव में खरीद लेगा। बर्ट पल भर में इनके सपनों को आसमान से खींचकर जमीन में पटक देता है, तो ये हरामी दिमाग से लड़ने के लिए दूसरे हरामी के पास जाते हैं, यानी निक के पिछले बॉस डेव के पास, जिसे इन्होंने जेल भिजवा दिया था। पर फिर भी डेव इनकी बात सुनता है और फिर इन्हें बताता है कि वो बर्ट को बहुत अच्छे से जानता है और वो कभी एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे, उसे बहुत मजा आएगा बर्ट को बर्बाद करने में। डेव की बात सुनकर तीनों खुश हो जाते हैं कि अब उनकी टीम में एक ऐसा आदमी है जो पैदाइशी हरामी है। पर इनकी टीम में शामिल होने से पहले डेव इनकी भर भर के बेइज्जती करना शुरू कर देता है कि उसने आज तक इनके जैसे गधों को नहीं देखा जो बिना किसी सिक्योरिटी के बिजनेस करने निकल पड़े। डेव इनकी इतनी बेइज्जती करता है जिसे सुनने के बाद इनके कान से बस खून निकलना बच गया रहता है। तो ये डेव को अपनी टीम में शामिल करने का प्लान कैंसिल कर देते हैं और वहां से सीधे उस आदमी के पास जाते हैं जो बातें तो चूतिया वाली करता है, पर बिना उसके एक्सपर्ट एडवाइस के ये लोग अपने फर्स्ट पार्ट के मिशन को कंप्लीट कर ही नहीं पाते। और यहाँ बात किसकी हो रही है आप लोग तो समझ ही गए होंगे। तो पेश है हमारा मदरफकर जोन्स। ये तीनों जोन्स से बर्ट के बेटे रेक्स को किडनैप करने का परफेक्ट प्लान मांगते हैं ताकि ये फिरौती के तौर पर बर्ट से सारा लोन का पैसा निकलवा सके। तो जोन्स इन्हें वो आइडिया बताता है जो कोई भी राह चलता चूतिया बता देगा, और मैंने पहले ही कहा था कि हमारा जोन्स चूतिया है, पर फिर भी ये लोग एडवाइस लेने इसीलिए आते हैं क्योंकि कभी कभी जो काम हाथी नहीं कर पाता वो एक चींटी कर देता है। पर इसके लिए बेचारे निक को अपनी ब्रांडेड घड़ी कुर्बान करनी पड़ती है क्योंकि अपना जोन्स एक प्रोफेशनल रहता है, तो नो फेस नो एडवाइस। वैसे जोन्स दिल का बहुत अच्छा और बहुत भोला रहता है, वरना मांडोली में कोई कहां लाखों रुपए से गिरकर एक घड़ी में मानता है। सही सुना, अपने जोन्स की फीस 35,00,000 रुपए रहती है, पर बेचारा
मोल मुलाई करने में कच्चा रहता है। तो अब इन तीनों का प्लान ये रहता है कि ये लोग रैक्स घर तब जाएंगे जब वो घर पर नहीं होगा, और फिर तब तक इंतजार करेंगे जब तक रैक्स घर आकर सो नहीं जाए, जिसके बाद उसके सोते ही ये लोग उसे बेहोश कर किडनैप कर लेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा और सारा काम शांति से निपट जाएगा। क्यों है ना एकदम मस्त प्लान, पर सिर्फ इनके नजरिए से, और वैसे भी सोचने में किसी के बाप का क्या जाता है। फटके तो हाथ में तब आती है जब सोचे हुए काम को पूरा करने का टाइम आता है, और जब बात हो इनके काम की और वो काम ये लोग खुद कर रहे हो तो काम कांड में ना बदले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अब आएगा असली मजा, तो टाइम आता है प्लान एग्जीक्यूट करने का, और इसके लिए इनका पहला काम रहता है उस चीज का जुगाड़ करना जिससे ये लोग रैक्स को बेहोश कर सके। पर इस मार्केट में भी नए होने की वजह से कोई इनकी शक्ल देखकर तो इतनी सेंसिटिव चीज इन्हें देगा नहीं, और ना ये लीगली बेहोश करने वाली दवा या ड्रग्स खरीद सकते हैं। तो डेल अपना दिमाग दौड़ाता है और अपनी पुरानी बॉस जूली के क्लिनिक में चोरी करने का प्लान बनाता है, क्योंकि जूली एक डेंटिस्ट रहती है तो उसके पास लाइसेंस वाली एक गैस रहती है जिससे मरीजों को बेहोश करके उनका इलाज किया जाता था। तो सभी उस गैस सिलेंडर को चोरी करने जूली के ऑफिस में घुसते हैं, पर इनकी फूटी किस्मत फिर से अपना कमाल दिखाती है। ये लोग के एंट्री करते ही जूली भी अपने कुछ दोस्तों के साथ ऑफिस में आती है, और यहाँ हमें पता चलता है कि जूली अब सन्यासी बन चुकी है। उसने कसम खाया होता है कि अब वो किसी के साथ भी गपागप नहीं करेगी। पर ऐसा कैसे, इन लोगों के होते हुए किसी का कोई काम पूरा कैसे हो सकता है? मतलब ये लोग इतने बड़े पनौती रहते हैं कि ये लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ के आसपास का माहौल का भी बुरा वक्त शुरू हो जाता है। दरअसल जूली के आते हैं ये लोग छिप जाते हैं, पर बेचारा निक नहीं छिप पाता, और क्योंकि जूली से नहीं जानती थी कि वो डेल का दोस्त है। तो निक इस बात का फायदा उठाता है और जूली का ध्यान भटकाने के लिए उससे ऐसी ऐसी बातें करता है जिससे उसकी सारी सहन शक्ति टूट जाती है और बेचारी को गपागप ना करने का कसम तोड़ना पड़ता है। पर जूली की लेकर निक को भी चरम सुख की प्राप्ति होती है, और ये निक के लिए बहुत बड़ी बात रहती है क्योंकि निक तीनों में सबसे ज्यादा सख्त लौंडा रहता है। तो अपने पहले मिशन को अंजाम देने के बाद तीनों नेक्स्ट मिशन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि रैक्स को उसे घर से उठाने का रहता है। तो इसके लिए तीनों उसके घर में घुसकर उसके कमरे के कवर में घुसकर बैठ जाते हैं और इंतजार करते हैं उसके सोने का। पर मजा ले कोई काम ये लोग शांति से निपटा दे। बैठे बैठे डेल गलती से गैस लीक कर देता है और फिर तीनों रैक्स को सुलाने की बजाय खुद सो जाते हैं और सीधे सुबह होने पर उठते हैं। उठते के साथ ये लोग देखते हैं कि रैक्स जा चुका है, जिसके बाद ये भी तुरंत वहां से निकलकर भागते हैं और इनका सारा जोश ठंडा हो जाता है, जिसके बाद ये लोग कसम खाते हैं कि ये काम वो दोबारा नहीं करेंगे। पर किस्मत इनके अलग ही मजे लेने की मूड में रहती है, इन्हें अपनी गाड़ी की डिक्की में से कुछ आवाजें सुनाई देती है, जिसके बाद जब ये लोग खोल कर देखते हैं तो उसमें से रैक्स बाहर आता है और इनके हिम्मत की दाद देता है कि क्या गजब का प्लान बनाया था इन लोगों ने। हालांकि प्लान फेल हो गया, पर इनके प्लान से वो इतना ज्यादा इंप्रेस हुआ कि उसने खुद को ही किडनैप कर लिया। रैक्स की बात सुनकर ये उससे कहते हैं कि उनसे गलती हो गई थी, अब उन्होंने अपने प्लान को कैंसिल कर दिया है। इन तीनों की बात सुनकर रैक्स इनसे कहता है कि अब ये नामुमकिन है, क्योंकि उसने इनके साथ आने से पहले डेल का लिखा हुआ किडनैपिंग नोट अपने बाप को भेज दिया है। तो अब ना चाहते हुए भी उन्हें उसे किडनैप करना ही पड़ेगा। रैक्स की बात सुनकर ये लोग उसे पागल समझते हैं और उसे ऐसा करने से साफ साफ मना कर देते हैं। पर अब बात इनके हाथ से निकल चुकी होती है, क्योंकि रैक्स इनसे ज्यादा हरामी रहता है। वो इन्हें टॉर्चर करता है खुद को चोट पहुंचाकर, और इन्हें धमकी देता है कि अगर वो उसे कहा नहीं मानेंगे तो वो खुद पुलिस को कॉल करेगा और इन्हें उसके किडनैपिंग और उसे मारने के जुर्म में अंदर करवा देगा। तो उन्हें ना चाहते हुए भी उसकी मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि उसे अपने बाप से बदला लेना है, क्योंकि उसका बाप इतना कंजूस है कि वो उसे खर्चा करने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं देता, और अगर वो उसकी इसमें मदद करेंगे तो वो उन्हें बदले में $1 million देगा। क्योंकि जहां वो पहले उसके बाप से $5 lakh मांगने वाले थे, अब वो वहीं अपने बाप से $5 million मांगेगा, जिसमें से $4 million उसका होगा और बाकी के $1 million इनका। रैक्स की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता ना होने पर ये लोग रैक्स के बाप को कॉल करते हैं और उससे रैक्स से बदले $5 million की डिमांड करते हैं, और उसे इस मामले में पुलिस को ना लाने की धमकी देते हैं। पर रैक्स का बाप रैक्स से भी ज्यादा हरामी रहता है, उसे सही में रैक्स से ज्यादा अपने पैसों की परवाह रहती है, जिसके लिए वो अपने पैसों को बचाने के लिए पुलिस को बुला ही लेता है, जिसे देखकर रैक्स बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है कि उसके बाप के लिए $5 million कुछ ही नहीं था, पर उसने जैसा सोचा था उसका बाप उससे भी ज्यादा हरामी निकला। रैक्स उदास होकर एक कोने में बैठ जाता है। रैक्स की हालत देखकर इन तीनों को उस पर तरस आ जाता है। इतना ही नहीं, कर्ट और डेल तो कुछ ज्यादा ही इमोशन में बह जाते हैं। वो रैक्स से कहते हैं कि वो उसके पिता से बदला लेने में उसकी मदद करेंगे और इस किडनैपिंग को पूरा करके रहेंगे। इन दोनों को बहता देख निक इन्हें थोड़ा थमने को कहता है और खुद को किडनैपिंग से अलग कर लेता है। पर ऐसे कैसे, तीनों एक ही थाली के चट्टे बैठे रहते हैं। जब दो हलाल होने को तैयार खड़े हैं तो तीसरा कैसे बच सकता है? कहने का मतलब ये कि रैक्स निक के सामने ऐसा शर्त रखता है कि वो एक ऐसा प्लान तैयार करेगा जिससे उनका किडनैपिंग एकदम सेफ और सक्सेसफुल रहेगा, और अगर उसे उसका प्लान पसंद नहीं आया तो वो उसे जाने से नहीं रोकेगा। तो बस फिर क्या था, रैक्स प्लान तैयार करता है जिससे इम्प्रेस होकर निक हलाल होने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि देखा जाए तो प्लान यही तीनों बनाते हैं, बस कहने को वो प्लान रैक्स का रहता है, क्योंकि रैक्स अपने प्लान की जैसे ही शुरुआत करता है ये तीनों प्लान सुनने में इतना खो जाते हैं कि रैक्स को शांत करके ये खुद बहुत ही शानदार प्लान बना डालते हैं। यानी कि निक वो पकड़ा रहता है जो खुद के कटने के लिए खुद का ही हथियार पेजा रहा होता है। तो अब बारी आती है वापस प्लान को एग्जीक्यूट करने की, पर उससे पहले एक आखिरी काम बच गया रहता है, और वो ये कि प्लान सॉलिड है या नहीं ये जानना, और ये तो अपना एक ही बंदा बता सकता था, और आप भी जानते हैं वो कौन। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जोर से बोलो, मदरफकर जोन्स।
पर इस बार यहाँ बात उल्टी पड़ जाती है। इनकी प्लानिंग सुनकर जोन्स उल्टा इन्हें प्रणाम कर देता है और इनसे कहता है कि ये लोग जितने भोले बनते हैं उतने है नहीं, क्योंकि उसने एक से बढ़कर एक हरामी देखा है, पर इनके सामने सब चूजे हैं। असली क्रिमिनल तो ये लोग खुद हैं। जोन्स की बात सुनकर ये लोग मोटिवेट हो जाते हैं और पूरे जोश के साथ अपने प्लान को अंजाम देने निकल पड़ते हैं। और पहली बार इन लोगों ने जैसा प्लान बनाया होता है उसके मुताबिक चलते हैं और बिना किसी खतरे में पड़े अपने मिशन को कंप्लीट करते हैं। रैक्स का बाप इन्हें पैसे दे देता है और ये लोग पैसे लेकर निकलने की तैयारी करते हैं। पर मैंने कहा था ना, किस्मत को इनकी लेने में बहुत मजा आता है। तो फिर क्या, किस्मत इनकी फिर से घुमा कर लेती है और इन बेचारों को चीखने का भी मौका नहीं मिलता। दरअसल जिस रैक्स को ये लोग एक टाइम के लिए अपना दोस्त मान बैठे होते हैं वो आखिर में इनसे गद्दारी कर देता है, क्योंकि उसके अंदर का खून तो एक अव्वल नंबर के हरामी का ही रहता है। तो रैक्स अपने बाप को ही गोली मार देता है और अपने गन को डेल को कैच दे देता है, और ठीक पिछली बार की तरह इस बार भी अपना डेल उस कैच को लपक लेता है और इन्हें फंसा कर सारा पैसा लेकर वहां से भाग जाता है। और ऐसा नहीं है सिर्फ किस्मत को ही इनकी लेने में मजा आता है, बल्कि इन्हें भी अपनी देने में उतना ही मजा आता है, क्योंकि जब भागने से पहले रैक्स के पैरों में बाढ़ के खून के निशान लग गए रहते हैं तो ये उसी टाइम बक देते हैं कि वो इससे उसे वापस फंसा देंगे। तो रैक्स फिर से इनका शुक्रिया अदा करता है और अपनी पैंट कट को पहना देता है और उसकी पैंट ले लेता है। मतलब हद बकचोदी है, कोई इतना चूतिया कैसे हो सकता है। पर तभी पुलिस इन्हें पकड़ने ही वाली होती है कि तब तक अपना मदरफकर्स जोन्स किसी हीरो की तरह एंट्री मारते हुए वहां आ जाता है और इन्हें अपने साथ लेकर वहां से भाग जाता है, क्योंकि उसे इनकी पिछली करतूतों से पता था कि ये जरूर कुछ कांड करेंगे। तो जोन्स इन्हें लेकर वहां से भागता है, पर पुलिस की नजरों से गायब नहीं होता, वो उन्हें अपना पीछा करने देता है और सभी को उस जगह पहुंचा देता है जहां रैक्स बैठकर किडनैपिंग का नाटक करने वाला था। पर इन लोगों का प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि इनका प्लान ये रहता है कि ये रैक्स से पहले वहां पहुंचेंगे और फिर जब रैक्स अपना नाटक करने वहां आएगा तो पुलिस अपनी आंखों से इन्हें देख लेगी और रैक्स फंस जाएगा। पर ऐसा नहीं होता, रैक्स इनसे पहले ही वहां पहुंच गया रहता है और किडनैपिंग की बहुत ही जबरदस्त एक्टिंग करता है, जिससे ये लोग बुरी तरह से फंस जाते हैं। पर इस बार पहली बार किस्मत को इनकी हालत पर दया आ जाती है। दरअसल होता यह है कि रैक्स से गलती हो जाती है, वो कर्ट की पैंट के साथ साथ उसका मोबाइल भी अपने साथ ले आता है, जिससे ये साबित हो जाता है कि रैक्स मर्डर के टाइम हुआ था और उसने कर्ट की पैंट पहनकर सबूत मिटाने की कोशिश की। तो अब सारा मामला उल्टा पड़ जाता है, जिससे रैक्स समझ जाता है कि अब वो पूरी तरह से फंस चुका है। तो वहां से भागने के लिए वो मेन पुलिस ऑफिसर पर गन तान देता है, पर इससे पहले वो गोली चलाता डेल गलती से उनके बीच में आ जाता है और गोली उसे लग जाती है। हालांकि रैक्स इसके बाद पकड़ा जाता है, पर बेचारे डेल की कुछ दिनों के लिए बत्ती गुल हो जाती है। पर रुको, पिक्चर अभी बाकी है। कुछ दिनों बाद जब डेल की आंख हॉस्पिटल में खुलती है तो सबसे पहले उसकी नजर जूली पर पड़ती है। जूली को देखकर डेल घबरा जाता है कि ये चुड़ैल उसके पास क्यों बैठी हुई है। तो जूली उसे बताती है कि उसे अपने ऑफिस के सीसीटीवी से पता चल चुका था कि वो लोग चोरी करने वहां आए थे, तो अब उसके पास भी सबूत है उसे फंसाने के लिए, तो अब वो उससे चाहकर भी दूर नहीं भाग सकता। और रही बात उसकी लेने की, तो जब वो कोमा में था तब उसने अपना ये शौक पूरा कर लिया था। मतलब डेल की इज्जत नीलाम हो चुकी रहती है और जाने से पहले जूली डेल को बताती है कि उसका बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। वो जितने दिन कोमा में था उतने दिनों में उसने उसकी बीवी से भी दोस्ती कर ली है और अब वो उसकी बीवी की भी लेने वाली है। बेचारा डेल हर तरफ से ठुक चुका होता है, पर तभी उसे एक राहत की सांस आती है जब निक और कट उसे आकर बताते हैं कि उसकी बहादुरी की वजह से पुलिस ने उन पर से सारे चार्जेस हटा दिए हैं। और इतना ही नहीं, कंपनी नीलाम होने के बावजूद उनका नया बॉस उन्हें काम पर रखने के लिए तैयार है। निक और कट की बात सुनकर डेल इमोशनल हो जाता है और उस महापुरुष के बारे में पूछता है, यानी अपने बॉस के बारे में। तो निक और कट उसे बताते हैं कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका नया बॉस और कोई नहीं बल्कि वो चांडाल डेव है। उसी ने नीलामी में उनके कंपनी को खरीदा है और अब उनकी लाइफ की लाइफ टाइम लगने वाली है। द एंड। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और इस तरह की और मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर करते जाना।